हेलो एवरीवन, आज है 10 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी के बारे में। देखिए, नतीजे आ चुके हैं मदरसन सुमी के और नतीजे आने के बाद एक बड़ी गिरावट हमें आज इसमें देखने को मिली है। 5.5% से भी ज्यादा ये शेयर टूट चुका है, 124 रुपए पर आ चुका है, 7.5 रुपए आज ये डाउन है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नतीजे आए हैं वो कैसे हैं और अभी इसमें खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मदरसन सुमी की अगर हम बात करें तो 124 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज एक बहुत बड़ी गिरावट हमें इसमें देखने को मिली है। पिछले एक महीने में शेयर 15 से 16% तक भी टूट गया है। 15 से 16% शेयर टूटा है। देखिए, 150 रुपए के करीब ये शेयर ट्रेड हुआ करता था और अभी 124 रुपए के ऊपर ये आ चुका है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 7.5% तक ये शेयर गिरा है। 171 रुपीज तक का हाई था, एक बहुत बड़ी गिरावट आई, शेयर 100 रुपए से भी नीचे टूट गया। बाद में एक बहुत बड़ी तेजी भी आई, शेयर 150 रुपए तक गया। लेकिन अब पिछले एक महीने से शेयर में गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। पिछले 3 साल में मदरसन सुमी में हालांकि 20 से 21% की गिरावट है। 261 रुपये से करीब का यहाँ पर हाई इसका बना था, उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ा बाउंस बैक भी, अच्छा खासा बाउंस बैक किया, बाद में एक वापस से गिरावट आती चली गई। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम बात करेंगे तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। जो नतीजे अभी आए हैं वो अच्छे नहीं है, नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। हालांकि नेट सेल में उतनी ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन जो गिरावट देखने को मिली है वो है नेट प्रॉफिट में। दिसंबर 2019 में देखेंगे तो 15,660 करोड़ के आसपास का नेट सेल्स है इनके, जबकि पिछले क्वार्टर में 15,924 करोड़ के थे, तो उसके कंपेयर में 1.5% जितनी गिरावट है। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल 16,233 करोड़ के नेट सेल्स थे, तो उसके कंपेयर में भी गिरावट है। लेकिन अगर बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल तो 390 करोड़ तक का इनका नेट प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में 385 करोड़ रहा, लेकिन इस बार 270 करोड़ रहा, तो बहुत बड़ी गिरावट है। 29 से 30% तक की एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि प्रॉफिट मार्जिन भी इनका थोड़ा बहुत गिरा है, 8 का प्रॉफिट मार्जिन है, जो पिछले क्वार्टर में 8.40 का होगा ज्यादा। हालांकि पिछले साल से थोड़ा बहुत इंप्रूव जरूर हुआ है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास 33.96% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 16.38% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 10.02% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.70% की होल्डिंग देखने को मिली है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 9.32% जितनी होल्डिंग है। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के द्वारा 16% जितनी होल्डिंग जो है वो गिरवी रखी गई है। 24 म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहाँ पर पैसा लगाया है, 486 एफआईएस ने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड है, जिनके पास 33.43% जितनी होल्डिंग है। और आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.09% है। डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करा है, 150% का डिविडेंड पे करा है, मतलब पर शेयर आपको 1.5 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं। मदरसन सुमी की टेक्निकल जो रेटिंग है वो उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। पी थोड़ा सा हाई है, 56 के करीब का है, जबकि इंडस्ट्री पी 51 के आसपास है। बुक वैल्यू 20 के करीब की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.13 है। और आप देख सकते हैं कि डिविडेंड 150% का डिविडेंड भी ये पे कर रहा है। डिलीवरी 15 के करीब की देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 68% लोग खरीदारी के लिए कह रहे हैं, 25% बेचने के लिए, 7% लोग इसमें होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो आज ही इनके नतीजे आए हुए हैं और नतीजे अच्छे नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। जैसे कि आज शेयर गिरा है, आज शेयर काफी हद तक गिरा है, शॉर्ट टर्म के लिए शायद ये थोड़ा और नीचे गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिकवर कर लेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने खरीदा हुआ है और आप लॉस में हो, ठीक है, अगर आप बड़े लॉस में हो तो मैं यही कहूंगा कि बेचिएगा मत, होल्ड करके रखिए, शेयर रिकवर करेगा। हालांकि वक्त लगेगा रिकवर करने में, लेकिन रिकवर जरूर कर लेगा। लेकिन अगर आपने नहीं खरीदा है तो मैं कहूंगा कि बढ़िया शेयर है, अभी मत खरीदिए, लेकिन नजर बनाए रखिए। ये शेयर थोड़ा और नीचे जा सकता है, मेरे हिसाब से 110 से 100 रुपए के आसपास की अच्छी बाइंग आपको मिल सकती है इस शेयर में।
तो नजर बनाए रखिए, बढ़िया शहर है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के साथ चलिए, जरूर आपको आने वाले दिनों में बढ़िया रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है ये शहर। तो मदरसन सुमे के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।